सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फळरे प्रतिदिन अपलोड होथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। भाई आपण को उपदेश मानि आपण जो कथा कहिले बहुत बढ़िया लागिला किंतु समस्त कोन ए कथा को मानि आमे से त्याग कर देबे एमिति कोन केबे गोटे समय आसी आपण भाबु जंते समस्त सात्विक भोजन ग्रहण करिवे समस्त आमिष छाड़ी देवे पियाज रसुण छाड़ी देवे एमती संसार टा सारा समस्त हो जाते तो बहुत सुंदर भी लगता आप कौन कह समय के भी ए दुनिया रे आसीब ना जे जो दिन समस्ते आमिष छाड़ी थे एक कारण भल मंद संसार रे मिसिकरी रहिबो एटा ईश्वर सृष्टि भल मंद पाप पुण्य उचित अनुचित एटा ईश्वर सृष्टि माछ मांस जो मान खाद्य से प्रकृति प्रवृत्तिर मनीष सबुबेले ए संसार रे थिबे कि थिबेनि थिबे थिबे ना सत्व रज तम त्रिगुणात्मिका प्रकृतिर मनीष संसार रे अछन्ति भिन्न भिन्न प्रकृति स्वभाव रो तेन तमगुणी लोक संसार रे सबुबेले थिबे ना जेमिति सबुदिन डाक्तरखाना टा थिबो कारण रोग होउथिबो डाक्तरखाना रे सेमाने चिकित्सित हेउथिबे अपाठुआ लोक थिबे सेमाने स्कूल कु जाउथिबे बुझी परछ ना तेन सेई भली आउ जेमिति डाक्तरखाना सबुदिन अछि मद दोकान भी सबुदिन थिबो कारण तमगुणी लोक मान खाद्य आय बुझीपारा कथा तामसिक प्रकृतिर लोक संसार रे सृष्टि शेष पर्यंत रहिबे आध्यात्मिक शिक्षा सबुदिन भी दिया चली थिबो मंदरु भल हेबा सबुबेले परामर्श दिया चली थिबो सर्वकालीन प्रक्रिया बुझीपारा जो मैंने जगत कल्याणकारी मनोवृत्ति रखी से समस्ते न छाड़िले भी जो मान मनोवृत्ति अच्छी जगत को आम कि कह समे भल जातु दयाशील लोक मैंने सबुबले उपदेश देवे शास्त्र पुराण उपदेश को गुरु देदेशवल को निज तुंड कहे जगत जो मैंने बुझीजे बास्तव सत्यटा को मंद को छाड़ी भल को ग्रहण करेंगे जीवन को सजाड़ी पारे जो मैंने ग्रहण ग्रहण नक लोक भी ना जुक्ति बाढ़ भी ग्रहण करेंगे ना तांकर शरीर भितर विज्ञानमय कोष उन्मोचन गुरु ग्रहण करेंगे षाठी जन्म भी बीती जा पारे। भाई आ गए कथा थी बहुत मठ मंदिर देवादेवी पीठ से आमिष प्रसाद रूप ग्रहण कर प्रसाद भी लगे आमिष को आपत ठीक भूल मन कर मठ मंदिर रे आमिष के प्रसाद लगवा उचित नुहे एटा आम संस्कृतिर कथा नुहे बुझीपारा आमिष गोटे जिनिष प्रसाद हो पार ना स्वाभाविक भाव मृत्यु हेबा पूर्व गोटे जीव को हत्या कर खाइबा मांसाहारी जीवर कार्य देवादेवी कार्य से नुहे देवादेवी माँ मंगला समस्त माँ कि नहीं मत कह भागवत जड़भरत चरित्र अच्छी से कथा भरत को हत्या करने को जो गला से माने सरदार चोर मान सरदार डाकू मान सरदार से माँ कौन सेटा प्रतीकात्मक भाव तार शिक्षा भागवत रे दिया जाइछि मु से लंबा टॉपिक आज आउटा कहूनी देवादेवी कार्य रक्त पीवा नुहे कि मांस खाइबा नुहे कि मठ मंदिर परंपरा भी आम जानुचु तार कारण अनुध्यान कले भी जापर आप गोटे उदाहरण दूची देखु जड़े संसारी लोक जड़े साधु महात्मा को तांको बासभवन को निमंत्रण करथिले भोजन करने कारण साधु महात्मा मान को सेवा देले पुण्य अर्जन हुए बोली आम संस्कृति रे कथाटा अछि साधु जनक ताकर किछि जन शिष्य मान को लेकर संसारी लोकटीर निमंत्रण रक्षा करी तांको बासभवन रे पहुंचिले खाद्य जेतले परिवेषण करा गला साधु देखिले माछ तरकारी बढ़ा हेछि बुझी पार ना निमंत्रण करक्ति आड़ को साधु चाहदेले देख ले मान महात्मा आसी भर गोटे प्रचुर आनंद मुखमंडल प्रसन्न प्रफुल्लता देखा व्यक्ति भितर अपार आनंद साधु घर साधु पादटा आम घरे आज पड़ी से खुशी मुन्य घर धन्य हो जा व्यक्ति समाज जन साधारण लोक कि साधु सतों पर हृदय भक्ति अच्छी सम्मान अच्छी सी अतिथि परायण एमती विभिन्न कैटेगोरी लोक संसार नोकटी शास्त्र पुराण को दखल करना अल्प शिक्षित से भाविचे आतिथ्य देवार अर्थ हूँ अतिथि को उत्तम भाव सेवा चर्चा कर भल खाइबा को दबा बुझीपा तेज भल खाद्य संसार लोक कौन भाविचंदी भल खाद्य तेणु से सरल प्राण से साधु को प्रस्तुत कर
भोजन प्रस्तुत कर साधु चिंता कले न खाइले व्यक्ति मन दुख हम आम भाई साधारण लोक एक ग्रहण कर साधु ना बुझी पार ना शिष्य मान को परीक्षा कर गुरु सर्वांतर जमी नुह कि शिष्य मुखमंडल को देखीदे बुझी पार फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड तेनु साधु सत्व मान मनस्तत्व को जानवर कैपेसिटी थाए तेनु से सब शिष्य मानती ना मानते दृढ़ता आसनी आध्यात्मिक मार्ग परमार्थ पथरे तेणु भी परीक्षा कर साधु शिष्य मान को साधु जनक पूर्व उपदेश आमिष भक्षण सर्वाद परित्यज्य साधु जनक निर्विकार भाव माछ तरकारी खाइले मंत्रपुत्त करी प्रभु को चलु करी प्रभु को अर्पण करी खाइले गुरु को खाइबा देखी शिष्य माने मध्य खाइले आउ बुझी पार ना साधु जनक किछि कहिले नाही नीरव रहिले संसारी लोकटी को आशीर्वाद करी फेरिले जे तुमर घर उन्नति हो तुम सफलता हासिल कर व्यक्ति जनक साधु को उच्चिष्ट को जेतले भोजन कले माने से व्यक्ति भितर सिना शास्त्र पुराण ग्रंथर ज्ञान नाही किंतु अतिथि परायण अतिथि जोटा ग्रहण कले से उच्चिष्ट को ग्रहण कले मु धन्य हिजु तेणु जत साधु को उच्चिष्ट भोजन कर देखिले कि घर व्यक्ति जनक से देखिले माछ तरकारी रु मोह मोह कानिका प्रसाद बासना टा बाहर घटना मर्मटा से बुझी पारे से दिन से दिन ठारु मध्य से साधारण संसारी जनक आमिष भक्षण त्याग कले से हृदयंगम कले भीतर विचार बोध आसीगला जे साधु को प्रकृत में दबा उचित नुहे साधु जो निजर पराकाष्ठा ता बल से तरकारी प्रसाद परिणत कर साधु जनक शिष्य मान को नहीं फेरिले फेर बाटे कमार शाल पड़ा बुझीपार ना जो लुहा पजा जाए टांगिया कटुरी पजा जाए दाढ़ करा जाए कमार शाल पड़ा कठिन लुहा पात्र तरल लुहार लाभा टक टक करुथाय साधु जनक जाई पात्र टेके तरल लुहा को पीले शिष्य मान आड़ चाहला बेल को शिष्य मैंने तो भयर धाई पलैले मान इंडिकेशन टाक बुझी पारे ना मुझ खाइली मु तरल लुहा पीली गरम गरम तेज तुम्हें मछ खाई तुम्हें भी तरल लुहा पीओ ए मर्मटा जिते बुझी पारे शिष्य मैंने धाइले आ कि शिष्य जिहलाल सारे पड़ी ता परवर्त अवस्था गुरु जिते देह त्याग कले कौन प्रचार कले जानी ना आ अमुक जगार पूरा ठाकुर आम गुरुदेव गोटे लीला करते आए पूरा माछ तरकारी खाइले एटा प्रभु गोटे विराट लीला लालसारे पड़ी प्रचार कले जो शिष्य मैंने आमिष भक्षण को से माने बाहर लोक मैंने शुणी कहले गुरु जिते बड़े आमिष को माछ को पसंद करती आम आई पसंद न करवा जीव लालसारे पड़ी ना अमुक लोकर घरे गुरु माछ तरकारी खाई एटा गोटे कहानी रहा लीला कहानी बास जीवा लालसारे पड़ा शिष्य मैंने निजर लालसा पूरण पाई गुरुदेह छाड़ा परंपरा तैयारी करदे कौन एम लालसा मिटिला आउ जो लोक मैंने आमिष प्रिय विधान सुहेला कौन धर्म करेंगे एपटे माछ भी खाइबाटा चलो बुझीपार ना कथा काम चलला जुक्ति द्वारा कथा को बुझेदेवाई कौशल आविष्कार कर पकड़े आमिषा आमिषा मठ मंदिर प्रसाद परिणत होगा कौन बुझीपार ना कथा आम उत्कलीय विचारधारा को देखंतु छोट पिला पाठ पढ़ा बही साहित्य बही समस्त जीवजंतु को भल पाइबार कथा लेखाए पशुपक्षी को संपर्क रे जोड़ी दिया जाए देख कवितार बाघ को कहगला मामू बिलुआ नना बिलई नानी गाई आम मा ताना बउला जान कि ना घरे पोषा होता है कुकुर को आम कौन कहते जगु डाकू ना आउ लेडीज माने स्त्री कुकुर कौन मोती मोती बोली डाकुचंती माने केते श्रद्धा सुआ सारी को पंजुरी भीतर रखी राम नाम शिक्षा दउचंती कि नहीं आमे काहे कि परिवे सकल जीव जगत तो ईश्वर को सृष्टि कहार शत्रुता आचरण न कर समस्त को भल पाइबा सबरी भितर ईश्वर विद्यमान तेणु समस्त सुसंपर्क स्थापन करिवे एटा होची तार मूल लक्ष्य तेणु बिलई हेला नानी बिलुआ हेला नना बुझी पार ना संपर्क को समस्त सहित जोड़ी दबा समस्त जीवन को सुरक्षा दबा क्या हत्या कर नानी की हत्या करा जाएगी नना को हत्या करा जाएगी ना माने जो माने काव्य कविता भी रचना करी पाठ्यपुस्तक से माने को चिंताधारा के गभीर सुदूर प्रसारी चिंताधारा बुझी पार ना श्रेष्ठ जीव मनीष जन्म पाई आम हत्याकारी परिचय बहन करवा
କହିଲ ଦେଖି ମର୍ଡରର ସାଜିବା ଆମେ ମଣିଷ ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ବୋଲି ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଅଛି ମଣିଷଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ତାକୁ କିଏ ମାରିଦେଲେ ଜେଲ୍ ଜୋରିମାନା ବି ଅଛି ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଦୋଷୀ ହେବ କି ନାହିଁ ମଣିଷ ଦରବାରରେ ଦୋଷୀ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ସେତେ ଖିଆଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ସିରିୟସଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ହାତରେ ଯାହା ପାଇଲା ସେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଏ କି ନାହିଁ ବସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲୁଥିବା ଛୁଆ ତାକୁ ଭାରି ଜଗା ରଖା କରନ୍ତିନି କି ବାପା ମା ମାନେ ଛୋଟ ବଡ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ପଡିଲା ସେ ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ ତା ଭିତରେ ଚେତନା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇନାହିଁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ବୁଝିନାହିଁ କେଉଁଟା ଖାଇବା ବସ୍ତୁ କେଉଁଟା ଖାଇବା ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯଦି ଜାଣିନାହିଁ ଚୁପଚାପ ବସିବା କଥା ନା ବୁଝିପାରିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରେ ସେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଏ କାହିଁକି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଏ ପେନ୍ କାଗଜ ମାଟି ଗୋଡି କପଡା ସାବୁନ ପେଷ୍ଟ ଯାହା ପାଏ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଏ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ଶରୀର ହେଉଛି ଭୋଗର ଶରୀର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜୀବ ଆସିଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କର୍ମ ବିନା ବି ଭୋଗ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ନା କେହି ଆଉ କର୍ମ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ପେଟ ପାଇଁ ପରା ନାଟ ତେଣୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ କର୍ମ କରି ନ ପାରେ ତାକୁ ଭୋଗ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ କି ନାହିଁ ଖାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଜୀବ ଆସିଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜୀବ ଆହାର ଲମ୍ପଟେ ପଡିଛି ଭବସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଏଟା ଭାଗବତର ଅମରବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମାନବ ଶିଶୁ କାନ୍ଦେ କାହିଁକି ତାର ଜଠରାଗିନୀଟା ଜଳେ କ୍ଷୁଦା ଜନିତ କାନ୍ଦ ସେଇଟା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ନ ଦେଖିକିରି କାନ୍ଦୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଶିଶୁ ମିଶ୍ରି ପାଣି ବା ମହୁ ଚଟେଇ ଦେଲେ ସେଥିରେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ତାର ଆହୁରି ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଜନନୀ ଜଠର ଜରାୟୁରେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ବହୁତ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁନାହିଁ ତେବେ କଥାଟା ହେଲା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜୀବର ଭୋଗ ଦରକାର ପଡ଼େ ତେଣୁ ଛୋଟ ଶିଶୁଟା ନିଜ ଅଜାଣତରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଶରୀର ଭିତରେ କୋଷକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ଭୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯୋଉଟାକୁ ପାଇଲା ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଏ ଆଉ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଘଟିଲେ ସେ ଜାଣିପାରେ କେଉଁଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ କେଉଁଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ହେଲେ କେଉଁଟା ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଟା ରାକ୍ଷସର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଟା ପଶୁପକ୍ଷୀର ଖାଦ୍ୟ ଏହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଥାଉ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଥାଉ ପାଠ ପିଏଚ୍ଡି ପଢିଥାଉ ଯଦି ସିଏ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି ମଦ ପିଉଛି ତେବେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ସିଏ କୋଉଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇବା କଥା ସେ ଜାଣିନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ନହେଲେ ଜୀବ ଆହାର ବିହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭାଗବତ କହିଲେ ବାଳକେ ମୋର ବଲ୍ଲକର ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ସୁମର ଏଠାରେ ବାଳକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଛୋଟ ପିଲା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ପରମପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ମାନବ କୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳକ ପରମପିତା ସେ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ବସୁଧା ମା ସମସ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୋଷରୁ ଯେମିତି ଯାହା ମନ ତାହା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଏ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ପରି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ନା କଥାଟା ଏଥର ଆଜ୍ଞା ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରିବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଯିବ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବାଳକ ଏ ସମସ୍ତ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ବର୍ଜନୀୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝି ନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଖାଇବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମାନିନେବା ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥାଟା ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଆମିଷ ସର୍ବାଧ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଆଉ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କଲେ ଏ ଆଲୋଚନା ଗୁଡାକ ଏ ସାଧାରଣ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ବାସ୍ତବ କଥାଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ଗୁରୁ ଚିରମଙ୍ଗଳମୟ ଆମେ ସାଧନ ପଥରେ ଯାଇ କେମିତି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମର ହେବ ନିର୍ବାଣରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାଟା ସର୍ବାଧ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିହେଲା କି କଥାଟା ଭାଇ ଶେଷରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମାଜକୁ ତ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ତ ଏଇ ସମାଜକୁ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କଣ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମିଷ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହି ଉତ୍ସାହିତ ମୁଁ କରିପାରିବି କି କରିପାରିବିନି ନା ସେଟା ମୋ ପକ୍ଷେ ପାପ ହବ କାରଣ ମୁଁ ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଦେବଭୂମି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଏଠାରେ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା
त्याग को प्राधान्य दिया जाए। देह सुख अपेक्षा आत्मार आनंद पाई बेसी प्रचेष्टा करिबा दरकार। आमिष सर्वाद वर्जनीय। जो माने छाड़ी पारु नाहंती धीरे धीरे पवित्र पर्वपर्वाणी रे छाड़ीबार अभ्यास रखी दिने संपूर्ण छाड़ी देले भल। केवल ई कथा कहिबे, आउ अन्य कोनसी कथा कहिबा मोर उचित मु मन करूना। जे भागवत कहिले धन्य जीवन ए जगते जे प्राण धरे प्राणी हिते। प्राणी कहिले केवल मनुष्य नुहे, प्राणी कहिले समग्र जीव जगत। ईश्वर सृष्ट प्रत्येकटी जीव होउछि प्राणी। तेणु आम समस्त आम हृदय भल पाइबार भावना रहिबा। अनेक लोक भी थटा करिकरि कहंती जे काई आमे छेड़िकी मारिकरि खाउछु, तमे आ कोसळा सागटा को उपाडी दउन कि तमे आंब गछ को छिंडिकरि आंब तोरण दउन कि कहुनांदी कि सेटा भी कहउछंती, जुक्ति बाडुछंती। ते आंब गछर भी जीवन अछि, बुझिपारुछ ना? ए संपर्क रे आज आलोचना करिबानी, बहुत समय हलानी। ए संपर्क रे आउ केबे मध्य आलोचना करिबा जे मनुष्य पई जो स्थिरीकृत होइछि कार्य सेटा कोन, कहा को कोउथिरे पाप लागे कोउथिरे पाप लागे नाही, बुझि परचना कथा। बाघ जदि हरिण खाइबो तार पाप हबो कि ना? आ मनुष्य धान गाछ कटिले पाप हबो कि ना? तार मीमांसा अछि, आउ केबे तार आलोचना करिबा।